लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़े नाम भी देखे गए, लेकिन एक नाम पर सबकी नजरें टिकी रह गईं। वो नाम किसी और का नहीं बल्कि राहुल गांधी का था। राहुल गांधी इस बार फिर वायनाड से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। जैसे ही इस बात की घोषणा हुई तो सवाल उठा कि अब अमेठी और रायबरेली सीट का क्या होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को स्मृति ईरानी के हाथों अमेठी सीट गंवानी पड़ी थी, तो वहीं दूसरी ओर रायबरेली सीट से सांसद रही सोनिया गांधी ने अब चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि पंडित नेहरू के जमाने से कांग्रेस की कर्मभूमि रही यूपी में कांग्रेस क्या अब अपनी पारंपरिक सीट छोड़ देगी। वहीं अगर दोनों ही लोकसभा सीटों की गणित समझी जाए तो अमेठी में 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने मोदी लहर के चलते राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। स्मृति ईरानी को 4,68,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी को महज 4,13,000 वोट ही मिल पाए थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने हमेशा सिर आंखों पर बैठाया है। पहली बार उन्हें करीब 66% वोट मिले थे, जो कि साल 2009 में 72% तक पहुंच गया था। साल 2014 में अमेठी में बीजेपी ने स्मृति ईरानी की एंट्री कराई। मोदी लहर में राहुल गांधी का वोट प्रतिशत घटकर 47 तक पहुंच गया था, लेकिन वहीं अगले यानी 2019 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं यूपी के महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से एक रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। लंबे समय से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। 2009 और 2014 में तो समाजवादी पार्टी ने सोनिया गांधी के खिलाफ प्रत्याशी ही नहीं उतारा था। यहां के 16 लोकसभा चुनावों और 3 उपचुनावों में कांग्रेस ने 16 बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूत इरादों के साथ खड़ी कांग्रेस इन सीटों पर क्या सियासी समीकरण बैठाती है।